ऐसा क्यों नहीं तू? दोस्तों बॉलीवुड का सिंघम यानी कि अजय देवगन इन दिनों अपनी भोला मूवी की ट्रेलर रिलीज की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में इस फिल्म की ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है और इस फिल्म के लिए तगड़ाबाज बनी है ऑडियंस में। वहीं अगर हम बॉलीवुड के सबसे बिजी कलाकारों की बात करें तो इस लिस्ट में अजय देवगन का भी नाम जुड़ चुका है, क्योंकि आजकल अजय देवगन अपनी फिल्मों को लेकर और ज्यादा सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। वो भी एक बार में एक फिल्मों को लेकर के नहीं बल्कि दो तीन फिल्मों को लेकर के, जो कि काफी बड़ी बात है। ऐसे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोला फिल्म की, जिस फिल्म में अजय देवगन के साथ साथ तबू और अभिषेक बच्चन भी नजर आने वाले। इस फिल्म का रिलीज डेट है 30 मार्च, जैसा कि सभी को पता है। वहीं मुझे लगता है कि ये बात शायद सभी को पता है कि ये जो फिल्म है ये साउथ की कैथी फिल्म की रीमेक है। ऐसे में लोकेश कनक राज ने भी अपनी कैथी मूवी से यूनिवर्स बनाने की प्लानिंग की थी और काफी सारी यूनिवर्स बनाई भी, जैसे कि विक्रम, रोलेक्स। लेकिन एजे फैंस के लिए भी बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि अजय देवगन भी अपनी भोला मूवी का यूनिवर्स बनाने की प्लानिंग में है, और ये यूनिवर्स काफी बड़ी हो सकती है, क्योंकि अजय देवगन ने अपनी भोला मूवी को काफी बड़े लेवल पर डायरेक्ट किया है और उन्होंने इस फिल्म के लिए काफी कुछ सोचा है यूनिवर्स बनाने के ऊपर। इसलिए ही तो अभी तक अजय देवगन ने अभिषेक बच्चन के पर्सनल लुक को शेयर नहीं किया है, क्योंकि इस फिल्म में अभिषेक बच्चन का एक अलग ही लेवल का लुक होने वाला है। और हो सकता है कि अभिषेक बच्चन भोला के पहले पार्ट में विलन का रोल प्ले करेंगे और उसके अगले पार्ट में एक हीरो का रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि टीजर को अगर आपने गौर से देखा होगा तो उसमें अभिषेक बच्चन का रोल थोड़ा सा जरूर दिखा होगा, भले ही उनका फेस ना दिखा हो, जिसमें अभिषेक बच्चन के जो हैंड है वो एक स्टील हैंड की तरह नजर आ रहे हैं। मतलब उनका कैरेक्टर इस फिल्म में बहुत डेंजर होने वाला है। वैसे दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताना भोला मूवी के यूनिवर्स के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। बाकी मुझे इस वीडियो में यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना फिल्मी दुनिया से रिलेटेड अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।